हंस बाबा अवधूत। शिवरात्रि का दिन था। दिन भर भजन कीर्तन और इसके बाद ब्रह्म सूत्र का पाठ करने के बाद स्वामी अनुभव देव अपनी साधन कुटी में जाकर बैठे ही थे कि एक बालक ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। अलौकिक आभा से प्रदीप्त मुखमंडल वाले इस बालक को देखकर स्वामी जी पुलकित उठे। बालक से पूछा, तुम्हारा घर कहां है? तुम्हारे साथ किसी को भेज दूं? महाराज, उसकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा के लिए घर बार छोड़कर यहां चला आया हूं। आपके आश्रम में ही शरण पाना चाहता हूं। बालक ने उत्तर दिया। स्वामी जी ने सोचा था कि रात ज्यादा चली गई है, चारों ओर जंगल और अंधेरा है, इसलिए इस बालक को अब अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन उसका उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गए, उनकी भावों पर बल पड़ गए। बोले, बेटा, क्या तुम मां बाप से झगड़ के आए हो? तुम्हें पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता, साफ साफ बताओ। महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, मैं साधु बनना चाहता हूं, शिव जी के चरणों में सदा के लिए उत्सर्ग कर दूंगा। आप मुझ पर कृपा करें, अपनी शरण में आश्रय दें, बालक ने अनुनय करते हुए कहा। अनुभव देव इस बालक की ओर अपलक निहारते रहे, समझ गए कि पूर्व जन्म का सात्विक संस्कार प्रबल है। वही संस्कार बालक को घर से निकाल लाया है और इसके भीतर आध्यात्मिक भाव भर गया है। इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। स्वामी जी ने पूछा, बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? बालक ने उत्तर दिया, 12 वर्ष। स्वामी जी का अगला प्रश्न था, इस उम्र में सन्यासी बनने की बात तुम्हारे मन में कैसे आई? महाराज, मैंने आपके बारे में अनेक बातें सुन रखी है। एक दिन मेरे घर एक सन्यासी आए थे। उन्होंने बताया कि अमृतसर के वेदांती साधु अनुभव देव की कोई तुलना नहीं है, संपूर्ण पंजाब के गौरव हैं। उनकी बात सुनकर मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा उमड़ आई। उसके बाद शरीर पर जो कपड़ा था उसी में मैं घर से निकल पड़ा और आपके चरणों में आश्रय पाने के लिए पैदल ही चला आया। देखो बेटा, साधु का एक ही लक्ष्य रहता है, ईश्वर की प्राप्ति। इसके लिए सभी तरह के सुखों का विसर्जन करना पड़ता है, देह बोध, अहम बोध, सभी को उखाड़ फेंकना पड़ता है, तभी उस परम रस में अपने को मिला देने का अधिकार मिलता है। तुम बच्चे हो, इन सब बातों को अभी समझ नहीं पाओगे। जब शरीर के तमाम सुख आराम को छोड़ सकू, तभी सच्चे साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने उत्तर दिया। यह बालक अपने संकल्प पर अटल था, जीवन की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर परम सुख और परम शांति की प्राप्ति के लिए उसने आश्रम जीवन ग्रहण किया था। चरम कृच्छ साधना, स्वाध्याय और योग तप के माध्यम से वह अंततः एक महावेदांती सन्यासी के रूप में विख्यात हुआ, हंसदेव अवधूत के नाम से। संथाल परगना के जस्सी डी में स्थित कैलाश पर्वत पर इस सिद्ध महापुरुष का आश्रम स्थापित हुआ। इस आश्रम में सैकड़ों मुमुक्षुगण इनका आश्रय पाकर धन्य हुए। हंस बाबा का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के मध्य में पंजाब की एक छोटी सी बस्ती में हुआ। एक उच्च ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया। माता पिता सात्विक प्रवृत्ति के थे। आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन घर पर प्रायः साधु संतों का आगमन होता रहता था। इन साधु संतों से बालक हंसदेव को प्रायः आध्यात्मिक कहानियां सुनने को मिलती और उसका मन इन कहानियों में रमा रहता। उन दिनों समाज में साधु संतों के प्रति आदर भाव कुछ ज्यादा ही रहता था।
हंस बाबा कभी कभी बताते, देखो पिछले जमाने में हम लोगों का ग्राम जीवन इन दिनों जैसा नहीं था। अपनी ही समस्या को केंद्रित करके समाज जीवन नहीं चलता था। गांवों में खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में थी। सभी लोग भौतिकता से अधिक आध्यात्मिकता का ध्यान रखते। लोगों में साधु सेवा और परोपकार वृत्ति प्रमुख थी। पंजाब के हर गांव में गृहस्थ लोग अपनी दैनिक प्रयोजन के अतिरिक्त 3 अंश और रोटियां प्रस्तुत करते। पहला साधुओं के लिए, दूसरा अतिथि अभ्यागत के लिए और तीसरा धर्मशाला में आने वाले व्यक्तियों के लिए तैयार रख छोड़ा जाता था। ऐसे वातावरण में हम लोग पैदा हुए, इसलिए बचपन से ही सात्विक भावना की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। हंस बाबा बताते, गांव के मध्य में एक विशाल बरगद का पेड़ था। इसी के नीचे नागा सन्यासियों की छावनी लगती थी। एक आकर्षण से मैं इस नग्न संसार से विरक्त साधुओं की ओर खींचा चला आता। बड़े उत्साह से उन लोगों की गांजे और चरस की चीलम भरने लगता। गांव में घर घर जाकर वहां से दलपूड़ियां, साग भाजी, हलवे आदि ला लाकर उन लोगों को खिलाता पिलाता। इससे मुझे काफी आत्मिक सुख और परितोष मिलता। सर्वत्यागी ईश्वरीय पथ के पथिक इन साधकों की ओर ध्यान लगाए रहता और उस समय मुझे गांव घर किसी की सूध नहीं रहती। ऐसे ही अवसर पर किसी समय मैंने किसी सन्यासी से अमृतसर के निकट ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अनुभव देव की चर्चा सुनी। दूसरे ही दिन उनकी खोज में निकल पड़ा, फिर उस आश्रम में उपस्थित हुआ। मुझे भाग्य ने महात्मा जी के चरण का आश्रय दिला दिया। अनुभव देव के आश्रम में बालक हंस देव को अनेक जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी। विग्रह मूर्ति का पूजन अर्चन, अभ्यागतों की सेवा के अलावा आश्रम के भक्त गणों के लिए भोजन की तैयारी करनी पड़ती थी। आश्रम में सैकड़ों गाय भैंसे थी, सबकी देखभाल काफी कष्टकर थी। ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाती थी बाल ब्रह्मचारी की दिनचर्या। ध्यान जप तथा स्वाध्याय के बाद जंगल में पशुओं को चराने के लिए निकल जाता। शाम को लौटने के बाद भोजन पकाना पड़ता, फिर खाने पीने के बाद बर्तन भाड़े साफ करने पड़ते। रात में साधन भजन और आश्रम के काम पूरे कर जब सोने के लिए जाता तो अंग अंग पीड़ा से भरा होता। इस प्रकार श्रम साधना में पता नहीं कितने वर्ष बीत गए। एक दिन आचार्य ने बुलाकर कहा, वत्स, आश्रम के काम में इतने दिनों तक तुमने जो प्राणपात परिश्रम किया उससे मैं प्रसन्न हूं। अब से तुम वेदांत का पाठ ग्रहण करोगे। पंडित काला सिंह इस अंचल के वेदांतियों में अग्रगण्य हैं और मेरे अत्यंत अनुगत हैं। वह तुम्हें ज्ञान दर्शन की उच्चतम शिक्षा देंगे। तुम उन्हें शिक्षा गुरु के रूप में वरण करो, ज्ञान मार्गीय साधना की भित्ति को और सुदृढ़ कर लो। आचार्य ने पंडित काला सिंह के नाम एक पत्र लिखा। उसे लेकर हंस देव उनके पास गए। उन्होंने स्नेह से आश्रम दिया। हंस बाबा ने उनके सानिध्य में रहकर कई वर्षों तक वेदांत की शिक्षा ग्रहण की और वेदांत के जटिल तत्वों को हृदयंगम करने में समर्थ हुए। इसी बीच एक दिन महात्मा अनुभव देव का तिरोधान हो गया। हंसदेव अधीर हो उठे, सोचने लगे अब उनका मार्गदर्शन कौन करेगा। मुमुक्षा की जो आग अंदर धधक रही थी उस पर अमृत की वर्षा कौन करेगा। वे उद्विग्न हो उठे और निकल पड़े ज्ञान की खोज में। अनेक मठों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों में भटकते रहे। एक दिन उन्हें निर्वाणी अखाड़े में हीरानंद अवधूत के दर्शन हुए। इन्हीं महात्मा ने उन्हें संन्यास दीक्षा दी। इसके बाद उनका नाम रखा गया हंसराज अवधूत। बाद में वे हंस बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा हीरानंद एक सिद्ध महात्मा थे, साधना, त्याग और वैराग्य के मूर्तिमान विग्रह।
हंस बाबा से उन्होंने कहा, बेटा यह बड़े हर्ष की बात रही कि तुमने इतने दिनों तक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अब तुम निवृत्ति मार्ग पर आरूढ़ हुए हो। अब परिव्राजक के रूप में 12 वर्षों तक घूमने निकलो, किंतु तुम्हें इस दौरान 2 नियमों का पालन करना होगा। कभी किसी गृहस्थ के यहां रात्रिवास नहीं करना और अयाचकता का व्रत पालन करते रहना। अपने आप जो भोजन मिल जाए उसी पर जीवन निर्वाह करना। बेटा हमेशा याद रखना कि तुम्हारी परम प्राप्ति वैराग्य साधना पर ही निर्भर है। चरम कृच्छ व्रत का अवलंबन किए रहो और देह बुद्धि को विसर्जित करने के लिए सर्वस्व निछावर कर दो। आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी साधना सफल होकर रहेगी। आत्मज्ञान से तुम्हारी हृदय कंदरा उद्भासित हो उठेगी। गुरु के वचनों को सिरोधार्य कर हंस बाबा परिव्राजक के रूप में निकल पड़े। गुरु के निर्देशों का बड़ी ही कड़ाई से पालन किया। उन दिनों कौपीनधारी तिथि छामय इस सन्यासी के हाथ में कमंडल तक नहीं था। जिस मिट्टी के बर्तन में वे पानी पीते उसका इस्तेमाल दूसरे दिन नहीं करते। हिमालय की उपत्यका में भयानक ठंड सहे। इस काल अवधि के दौरान कृच्छ साधना के प्रसंग में वे कहा करते, हमारे गुरु महाराज अत्यंत कृपालु थे। देह बोध को विनष्ट करने के लिए उन्होंने मेरी कठिन परीक्षा ली। अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बीच से वे मुझे बाहर निकाल लेते। कौपीन मात्र धारण करके मैंने उत्तराखंड में अनेक बार भ्रमण किया। जब हिमपात तेज होता, बाहर रहना असंभव हो जाता, तब भी भ्रूम छेप नहीं करता। किसी किसी दिन पेड़ के नीचे पत्तों के ढेर पर सोना पड़ता। सिरहाने मिट्टी के पात्र में जल रखा रहता, वह रात में जमकर बिल्कुल बर्फ हो जाता। कड़ाके की ठंड भी मेरी नींद में बाधा नहीं पहुंचा सकती थी। महीने महीने भर बर्फीले पहाड़ पर वास करने के कारण शरीर के चमड़े एकदम चिभरे और बदरंग हो जाते। मैदान में रहने वालों को जबरदस्ती मुझे देखकर मनुष्य कहने में भी हिचक होती। गुरु के आदेश से हंस बाबा ने 12 वर्ष तक वैरागी के रूप में परिव्राजक जीवन बिताए। एक दिन भी अपने हाथ का पका भोजन नहीं ग्रहण किया। बिना मांगे जो भिक्षा मिलती उसी पर जीवन गुजारते। हरिहर की आवाज लगाकर हंस बाबा गृहस्थ के घर प्रतिदिन एक बार उपस्थित होते। कभी कुछ खाने को मिल जाता, कभी भर्त्सना और व्यंगवाण मिलते, किंतु उस तितिक्षावान सन्यासी के लिए निंदा और स्तुति में कोई फर्क नहीं था। कोई सांसारिक आचार उन्हें प्रभावित नहीं कर सका। विश्व के सारे पदार्थ उनके लिए विनाशशील, प्रपंच और माया मात्र थे। उन्हें अनेक बार हिंसक पशुओं के सामने से गुजरना पड़ा, किंतु इस तपोनिष्ठ साधक के प्राणों की रक्षा अलौकिक भाव से संपन्न होती रहती। एक बार हंस बाबा नंदा देवी पर्वत पर घूम रहे थे। वहीं जंगल के बीच उन्हें एक पर्णकुटी मिल गई, किसी साधु द्वारा बनाकर छोड़ी गई थी। उस पर्णकुटी में रहकर हंस बाबा काफी दिनों तक ध्यान में लीन रहे। ठंड, वर्षा और गर्मी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई। वे अविचल साधना में लीन रहे। उस समय हंस बाबा की अवस्था, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान वाली थी। प्रायः आकाश के नीचे ही उनकी रातें बीतती। पेड़ के नीचे सूखे पत्तों पर सोकर रातें गुजारते। हिंसक पशुओं का आतंक जहां होता, वहां पेड़ की डाल पर सोकर रात बिताते। नीचे घास फूस की धुनी जलती रहती। इसी तरह ब्रह्माभ्यास का अनुष्ठान चलता रहता। हिमालय से लेकर सागर तक जितने तीर्थ स्थल थे, हंस बाबा ने सबकी प्रदक्षिणा पूरी की। एक बार घूमते घामते वे अफगानिस्तान पहुंच गए। काबुल से कुछ दूर एक निर्जन पहाड़ी पर उनका मन रम गया।
उनकी ख्याति शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। दूर दूर से आकर अफगानी लोग उनका दर्शन करके स्वयं को धन्य समझते, अखरोट, बादाम, किशमिश आदि की भेंट चढ़ाते। बहुत से दुखी जन बाबा की करुणाधार में तृप्त होने लगे। लोगों की मुरादें पूरी होती, किंतु दर्शनार्थियों के लगातार बढ़ते जाने से बाबा की साधना में व्यवधान पड़ने लगा। अतएव यहां लगभग 1.5 साल के बाद बाबा ने अचानक वह स्थान छोड़ दिया। लंबी राह तय करने के बाद वे फिर हिमालय आ गए। हिमालय और पवित्र नर्मदा नदी का तट हंस बाबा के प्रिय स्थान रहे। इन दोनों स्थानों में उन्होंने घोर तपस्या की, कुछ दिन तराई अंचल में भ्रमण किया। इस स्थान में बाघों का बड़ा उपद्रव था। एक दिन जब ध्यान भजन के बाद हंस बाबा ने खिड़की खोली तो देखा कि एक नरभक्षी बाघ आंगन में आकर बैठा है। उसे मनुष्य गंध लग चुकी थी, इसलिए चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था। हंस बाबा ने सोचा, जिस परमात्मा का ध्यान उनके अंतर में चल रहा है, इस बाघ की प्राण शक्ति भी उसी का अनुकर्षण जारी है, फिर दोनों में भेदभाव कहां। मन में यह विचार कौंधते ही एकाएक उन्होंने घर का द्वार खोल दिया। हंस बाबा ने बाघ के सम्मुख आकर दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, महात्मन, हमारे और आपके भीतर वास्तव में भेद नहीं है। एक ही परमात्मा दो भिन्न शरीरों में स्पंदित हो रहे हैं, फिर हम दोनों के बीच बैर भाव रहे, इसका तो कोई कारण नहीं। हंस बाबा की बातें सुनकर उक्त नरभक्षी बाघ शांत चित्त होकर उठा और धीरे धीरे चला गया जंगल की ओर। एक बार कुछ सन्यासियों के साथ हंस बाबा मध्य प्रदेश के घनी जंगल से होकर जा रहे थे। अचानक एक भारी भरकम बाघ सामने आ गया। उस समय दल का एक वृद्ध सन्यासी जाकर बाघ के सामने खड़ा हो गया और कहा, भाई रे, शांत रहना, यह देख, तेरे खाने के लिए मैंने अपने को तेरे आगे उत्सर्ग कर दिया है। मैं बूढ़ा हो चला, अब कितने दिन शेष रह गए हैं इस जीवन के, मुझे ग्रहण कर ले और मेरे साथियों को छोड़ दे। बाघ का गुर्राना बंद हो गया। उसने सहज ही प्राप्त इस शिकार की परवाह नहीं की, सन्यासी की ओर एक क्षण देखा, फिर जंगल में चला गया। एक बार वे सन्यासियों के साथ कामाख्या पर्वत पर पहुंचे। दिन भर की यात्रा और ऊपर से पहाड़ की चढ़ाई, सभी थककर चूर हो गए। फिर भी वे रात में देवी के दर्शन के बाद लौटकर जो थोड़ा फल फूल मिला, उसी से उन लोगों का भोजन संपन्न हुआ। उसके बाद एक पेड़ के नीचे सभी ने विश्राम किया। अभी नींद भी नहीं आई थी कि एक बाघ आकर खड़ा हो गया। उन दिनों में इस इलाके में बाघ का बहुत ही उपद्रव था। बिना आग जलाए कोई बाहर नहीं रह सकता था। लोग इतना थक गए थे कि किसी को आग जलाने की सूझ ही नहीं रही। सभी ने जल्दी से कंबल तान लिया। बाघ सन्यासियों की सैया के समीप घात लगाकर बैठ गया। साथियों में से किसी की दृष्टि उस बाघ पर पड़ी, वह चीख पड़ा। दल के मुखिया सन्यासी ने सोए हुए ही कहा, क्या हुआ? एक शेर आ पहुंचा है। आने दो भाई, उनके साथ बातचीत करने की अभी फुर्सत नहीं है, अभी जमात में ही उनकी भर्ती कर लो। सभी सन्यासी मुखिया की बात सुनकर जड़वत लेटे रहे। अचानक बाघ को सद्बुद्धि आई और वह एक छलांग लगाकर सामने के गड्ढे को पार करते हुए कहीं अदृश्य हो गया। थोड़ी ही देर में खर्राटे लेते हुए सभी सन्यासी नींद में डूब गए। इस प्रकार घूमते हुए हंस बाबा का मन अध्यात्म में रमता गया। हिमालय की तराई में हंस बाबा पर्यटन को निकले थे। इस समय एक उच्च पदस्थ अधिकारी उनका भक्त था। हंस बाबा के कष्ट को देखकर भक्त ने कहा, महाराज, मैंने आपके लिए तंबू की व्यवस्था कर दी है। जितने दिन आप इस इलाके में परिभ्रमण करें,
इसका उपयोग करते रहे। यहां से जाने के बाद आप इसे लौटा दीजिएगा, इसमें कोई नुकसान नहीं। नहीं बाबा, मैं जंगली आदमी ठहरा, जब इच्छा हुई जंगल झाड़ी में कहीं ठहर गया। यह सरकारी तंबू कहीं भुला जाए तो एक और आफत खड़ी हो जाएगी, इससे मेरा काम नहीं चलने का, हंस बाबा ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी महाराज, मैं अपना एक आदमी आपके साथ लगा देता हूं, वह तंबू की देखभाल करेगा। आपको मेरी यह व्यवस्था अंगीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे ही आपके साथ चलना पड़ेगा। इस अधिकारी के हट के आगे बाबा को झुकना पड़ा। उन्होंने आगे की यात्रा में तंबू साथ ले लिया, एक चौकीदार भी उनके साथ लगा दिया गया। बाबा रात के समय अपने सोने के घर में किसी को फटकने नहीं देते। इसका कारण यह था कि रात में वे अनेक प्रकार की योग क्रिया करते। इस बार वह सरकारी चौकीदार को साथ लेकर वह बड़ी विपत्ति में पड़े। वह व्यक्ति रात में तंबू के बाहर रहने के लिए राजी नहीं होता, उसे हिंसक पशुओं से डर लगता रहता। अंततः बाबा को सोने की व्यवस्था बदलनी पड़ी। चौकीदार को उन्होंने तंबू में सुलाया और खुद पेड़ के नीचे सोने लगे। जब वे लौटकर उस अधिकारी के पास आए तो यह बात छिपा ली, क्योंकि इसकी जानकारी अधिकारी को होने का मतलब था चौकीदार पर विपत्ति का आना। बाबा के भीतर मानवता की भावना जो शुरू थी उसका निर्वाह वह जीवन भर करते रहे। निरंतर 12 वर्षों तक परिव्राजक के रूप में बाबा ने बिताए। उसी के साथ चरम कृच्छ व्रत और वैराग्य तपस्या का उद्यापन उन्होंने संपन्न किया। यह अवधि समाप्त कर बाबा स्वामी हीरानंद अवधूत के पास लौट कर आए। इस बार गुरु जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने ब्रह्म साधना का अभ्यास किया। उनकी साधना सत्ता में परमात्मा बोध स्फुटित हो उठा। स्वामी हीरानंद अवधूत ने कहा, वत्स, तुम अब आप्त काम हो चुके, सर्वपास विमुक्त होकर तुम अब अवधूत हो। इस बार बंधन में पड़े जीवों के कल्याण की साधना में तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। अब तुम आचार्य जीवन आरंभ करो। गुरु जी के चरणों के धूल माथे लगाकर हंस बाबा निकल पड़े और अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए संथाल परगना के जस्सीडीह में आकर आश्रम की स्थापना की। त्रिकूट पर्वत, तपोवन और दिगरिया पहाड़ी की लंबी श्रृंखला और कुछ दूरी पर पारसनाथ पर्वतमाला। इसी पृष्ठभूमि में जस्सीडीह के एक भाग में एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर हंस बाबा की साधना स्थली। यहां के एकांत वातावरण में बैठकर इस तपस्वी की साधना की कल्याण धारा फूट पड़ी। भक्तों ने श्रद्धा से इस आश्रम का नाम कैलाश रखा। साल के कुछ महीने हंस बाबा यहीं वास करते, शेष समय नर्मदा नदी के किनारे एकांत पर्णकुटी में। पहले तो आश्रम के नाम पर सिर्फ एक कच्चा घर था। बाबा किसी के साथ एक कुटी में रात्रिवास नहीं करते थे। कभी कोई अभ्यागत आ जाता तो उसके लिए कुटी खाली कर देते, स्वयं आंगन में ही रात बिताते। शुरुआत में रसोई भी खुले में पकती, वर्षा के दिनों में चूल्हा नहीं जलता। उस दिन बाबा उपवास करते। एक बार बरसात में कुटी का छप्पर बिल्कुल चूने लगा, सारे सामान भीग गए। सारी रात बाबा एक छाते के साये में बैठे रहे। दूसरे दिन एक भक्त महिला वहां पहुंची, उसे बाबा की यह स्थिति देखकर बहुत ही कष्ट हुआ। महिला भक्त के आश्चर्य व्यक्त करने पर बाबा ने कहा, क्यों मां, मैंने तो बड़े आनंद से जगे रहकर रात बिताई है, मेघ वर्षा ने हमारा क्या बिगाड़ रखा है। हां, मेरे शरीर को कुछ कष्ट हुआ हो, परंतु मैं तो अब शरीर मात्र नहीं रहा। इसके बाद भक्त महिला निरुत्तर होकर इस महान तपस्वी की ओर देखती रह गई। कुछ वर्षों के भीतर भक्तों के प्रयास से एक दो मंजिला मकान और पक्का कुआं बनकर तैयार हो गया। कैलाश पहाड़ पर पहले सांप बहुत रहते थे। उस समय हंस बाबा के आश्रम में
एक ब्रह्मचारी रहा करते थे। कुछ ही दिनों में वे बाबा के प्रिय पात्र बन गए। रोज देर रात्रि में ब्रह्मचारी बिस्तर छोड़ देते। स्नान एवं संध्या तर्पण कर चुकने के बाद जप तप एवं ध्यान में मग्न हो जाते। एक दिन रात के अंधेरे में एक मील दूर कुतुनिया नदी में स्नान के लिए चल दिए। पहाड़ से आधा रास्ता ही उतर पाए थे कि हंस बाबा की आवाज कान में पड़ी, ब्रह्मचारी होशियार। ब्रह्मचारी तुरंत ठिठक कर खड़े हो गए। नीचे धरती पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक विशाल विस्तर फन काढ़े सामने बैठा है, क्रोध में आकर फुफकार रहा है। ब्रह्मचारी उस पर डंडे से वार करना चाहते ही थे कि वाणी सुनाई दी, अरे उसे मारना नहीं। ब्रह्मचारी की तनी लाठी जस की तस रह गई और ब्रह्मचारी मूर्तिवत खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद सर्प का गुस्सा शांत हुआ और वह एक ओर को चला गया। दूसरे दिन ब्रह्मचारी ने इस बारे में जब बाबा से पूछा तो उनका उत्तर था, हम क्या जाने, यह सब परमात्मा की इच्छा है। इस तरह बाबा अपनी अलौकिक शक्तियों से भक्त जनों की रक्षा करते थे। एक दिन एक भक्त ने उनसे पूछा, बाबा यह तो जंगली भूमि है, इसमें इतने सांप और बाघ बसते हैं, फिर भी आपने इनके बीच क्यों अपना वास स्थल बनाया है, क्या आपको डर भय नहीं लगता? महापुरुष ने हंसते हुए उत्तर दिया, वत्स, सांप बाघ और साधु यही तो वन के असली अधिवासी हैं, फिर हम लोगों को भय करने की बात कैसे उठती है। धीरे धीरे हंस बाबा की कीर्ति फैलने लगी और भक्तों तथा पीड़ित जनों की भीड़ बढ़ती गई। हंस बाबा खुद आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे, उस पर से योग शक्ति का प्रभाव, परिणाम स्वरूप दूर दूर से रोगी आश्रम में जुटने लगे। बाबा उनका कल्याण करते रहे। बाबा के श्रीमुख से निकली हरिहर की नाम धुनी श्रोताओं पर अमृत वर्षा करती रही। जब कभी कोई आनंद भरा मंगल संवाद बताता तो बाबा कहते कि ओह हरिहर में मशगूल हो गया, किसी की मृत्यु की सूचना पर कहते उसको हरिहर हो गया। हंस बाबा की रिद्धि सिद्धि का प्रताप इलाहाबाद के संगम तट पर कुंभ मेले के उनके अखाड़े में देखने को मिलता। मेले में निर्वाणी साधु की गैरिक पताका फहराते हुए वे अपनी महिमा से मंडित हो वह विराजते। बस दल के दल बंगाली गुजराती मराठी आदि देश के विभिन्न क्षेत्रों के भक्त उमड़ आते। अज्ञात अज्ञात साधु संन्यासियों की भीड़ जुट जाती, नित्य भंडारा चलता रहता। दीप्ति भुज्यताम का महामहोत्सव लगातार चालू रहता। साधु सन्यासी जब भिक्षा के लिए पहुंचते, महापुरुष उनकी अगवानी के लिए स्वयं खड़े मिलते। आओ मेरे नारायण, आओ मेरे प्राण, कहते हुए उन्हें आदर सम्मान के साथ भीतर ले जाते। प्रत्येक पंगत में हजार हजार पत्तल परोसे जाते। रुपए पैसे अन्न घी आटा इत्यादि कहां से आता कोई नहीं जानता। लोगों के लिए यह विस्मय की चीज थी। लोग इसे बाबा की योग विभूति का प्रभाव मानते, क्योंकि बाबा आश्रम में कभी कुछ जमा नहीं करते। हंस बाबा से जब इस बारे में प्रश्न किया जाता तो वे हंसते हुए उत्तर देते, देखो यहां तो जो कुछ चलता है परमात्मा की इच्छा से ही है। बाबा अपने इस प्रिय दोहे को बराबर गुनगुनाते रहते। साई सबको देत है पोसत है दिन रैन, लोक नाम मेरे कहे ताते नीचे नैन। अर्थात परमेश्वर ही सबका पोषण करता है, फिर भी लोग घोषित करते हैं कि मैं ही देता हूं, इसी से मेरी आंखें संकोच से झुकी है। हरिद्वार नासिक और प्रयाग में कुंभ पर्व के समय हंस बाबा के अखाड़े में अनेक सिद्ध और शक्तिधर सन्यासियों का आगमन होता है। सभी हंस बाबा को ब्रह्मज्ञानी का पद और सम्मान देते। जस्सीडी पहाड़ी पर स्थित बाबा के आश्रम में प्रतिदिन सायंकाल
भक्तों की भीड़ एकत्रित होती और बाबा अपने प्रवचन से सभी को कृतार्थ करते। जटिल तत्वों की व्याख्या अपूर्व कौशल से महाराज जी किया करते। वेदांत के गूढ़तम तत्वों को सरलता से समझाया करते। इसमें वे मनोरम आख्यानों का प्रयोग करते। त्रिताप से कष्ट जीवन को लेकर जो समस्याएं लोगों के मन को दुखी किए रहती, वे बाबा के आगे निवेदित होती और बाबा बड़ी ही आसानी से वे गुत्थियां सुलझा देते। एक बार एक भक्त ने जिज्ञासा प्रकट की, बाबा हम लोगों के निस्तार का, मुक्ति का मार्ग कौन सा है? बाबा ने उत्तर दिया, देखो मानव की इंद्रियां बड़ी प्रबल है, विचार और संयम के बिना उसका दमन करना कदापि संभव नहीं। मनुष्यत्तर प्राणियों की ओर दृष्टि डालने पर स्पष्ट होगा कि पतंग, कुरंग, मातंग, मृंग और झीन ये सब केवल किसी एक ही विषय में आ सकते हैं। पतंग के नाश का कारण है उसका रूप ग्राही चक्षु, जिससे वह दीप शिखा की रूप ज्वाला में जलकर भस्म हो जाता है। मृग को मृत्यु चाल में फंसाने के लिए उसकी कर्णेन्द्रिय ही कारण रहती है, जो उसे बंसी ध्वनि सुनने को विवश कर व्याध के सर का शिकार बना देती है। हाथी स्पर्श इंद्रिय की दुर्बलता से छल नामई हथनी की ओर अग्रसर होकर जाल में जा फंसता है। मृग पुरुष के रसगंध पर विमुग्ध होकर सर्वस्व गवा देता है और मछली रसना के आवेश में आकर बंसी बिंध जाती है। इन सब जीवों का विनाश केवल एक एक इंद्रिय के असंयम के कारण होता है। फिर सोचकर देखो तो जो मानव समष्टि रूप में इन पांचों इंद्रियों का गुलाम है, उसकी विपत्ति की सीमा कहां है? पांचों इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती है, धकेलती, उसे विनाश के गर्द में गिराती रहती है। फिर बाबा ने विषय मुक्ति के उपाय बताए। दुर्गम विषयों से निकलने का रास्ता बंद नहीं है, भगवान ने उसे विचार की शक्ति दी है और संयम का मार्ग प्रशस्त किया है। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज हम लोग ठहरे संसारी जीव, दिन रात तरह तरह के झंझटों में उलझे रहते हैं। मुक्ति के लिए साधना भजन करें, उसके लिए समय सुविधा कहां है? भगवान की गुहार कैसे कर पाए? अच्छा बाबा, हंस बाबा ने कहा, कोई व्यक्ति समुद्र में स्नान के लिए जाता है तो वह किनारे बैठकर प्रतीक्षा करता है कि समुद्र से लहरें खत्म हो जाए तो हम स्नान करें, संसार का कोलाहल पहले थम जाए तब हम साधन भजन करें। यदि ऐसा सोचते रहे तो कभी मुक्ति का प्रयास चलने वाला नहीं। जितना बन सके इसी क्षण से शुरू कर दो। एक दिन हंस बाबा शिष्यों के साथ ईस्ट गोष्ठी में बैठे थे। कर्म और प्रारब्ध पर चर्चा चल पड़ी। महाराज जी ने कहा, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म का अर्थ है जीव ने जन्म जन्म में जो कर्म किए हैं उनकी समष्टि, अर्थात जो कर्म फल जीव के भोग के लिए जमा है। प्रारब्ध का अर्थ इन संचित कर्म फलों में उस अंश से ही है जो जीव को वर्तमान जीवन काल में भोगना होगा। बाबा ने आगे कहा, प्रारब्ध भोग के लिए ही जीव को देह धारण करना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। संचित कर्म से जो अंश जीव के भोग के निमित्त उपस्थित है वही हुआ प्रारब्ध। यही प्रारब्ध कभी संपत्ति और विपत्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। बाबा ने कहना जारी रखा, यदि किसी भंडार घर में बहुत सी चीजें जमा की गई है और प्रयोजन के अनुसार संचित भंडार में से कुछ अंश का प्रयोग कर लिया जाता है तो वह भोग में लाई गई चीज ही प्रारब्ध कही जाएगी। जो भंडार में संचित है वह कर्मफल है, यह प्रारब्ध ही बलवान है। तब क्या इस प्रारब्ध कर्म से हमारा परित्राण संभव नहीं है बाबा? एक भक्त का सवाल था। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म फल भोगना ही होगा, किंतु कड़ी धूप में जैसे कोई राही छाता के द्वारा सहूलियत प्राप्त कर लेता है
उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य भगवान के चरण में छाया का आश्रय ले तो कठोर प्रारब्ध की तीव्रता कुछ कम हो जाती है। बाबा ने कहा। एक भक्त ने पूछा, क्रियमाण कर्म का तात्पर्य क्या है बाबा? वर्तमान जीवन में जीव जो कर्म करता जाता है वही उसका क्रियमाण कर्म है। जीव का संचित कर्मफल क्रियमाण कर्म द्वारा लघु किया जा सकता है। प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कर्म का ही तो फल है। इस जन्म के सत्कर्म एवं पुरुषार्थ द्वारा कुछ तो बदलाव संभव है ही। बाबा ने बताया। एक भक्त ने जिज्ञासा प्रकट की, तो बाबा इस जन्म में क्रियमाण कर्म का फल किस प्रकार विनष्ट किया जा सकता है? बाबा ने मधुर वाणी में कहा, ज्ञान द्वारा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। एक दिन बाबा ने कहा था, प्रत्येक कर्म से दो प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। नीच कर्म से नीच वासना की सृष्टि होती है और उच्च कर्म एवं साधु संगत से उच्च वासना जागती है। इन्हीं वासनाओं से प्रारब्ध सूचित होते एवं कर्म फलानुसारी भाग्य पर जन्म में गठित होते हैं। योग के बिना प्रारब्ध का क्षय नहीं होता। जिस प्रकार पुनर्जन्म में अर्जित प्रारब्ध जिस भाव से इस जन्म में सूचित हुआ है उसमें भी कोई बदलाव संभव नहीं है। एक भक्त का सवाल था, यज्ञ शांति से भी क्या भाग्य नहीं बदला जा सकता? बाबा ने कहा, ऐसा नहीं होता। जिसने कुत्ते के रूप में जन्म लिया है वह कुत्ता ही रहेगा। हां, कोई कुत्ता धनी की गोद में बैठता है, सुख और स्नेह से पाला जाता है, तो कोई मारा मारा फिरता है। फिर लोग शांति स्वस्तयन क्यों करते हैं बाबा? याग यज्ञ द्वारा क्रियमाण पाप का नाश होता है। भगवत भजन से क्रियमाण पाप नष्ट होता है और शुभ वासना की सृष्टि होती है। प्रारब्ध का फल भी कुछ मीठा हो जाता है। वासना ही बंधन का कारण और दुख का मूल है, यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए। वासना के नाश होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव तो कलेश पाता है तृष्णा के कारण, किंतु उसकी तृष्णा कैसे दूर हो सकती है? तत्व विचार द्वारा, वैराग्य द्वारा। बाबा ने आगे कहा, मनुष्य के अंतर में सच्चिदानंद चिर विराजमान रहते हैं। वह सकल आनंद के उत्स हैं। इस उत्स को खोजना होगा। उसका उपाय है अविद्याजन्य मोह को दूर कर स्थिर भाव से विचार करते हुए उस उच्च पथ की तलाश करनी होगी। विचार बुद्धि के प्रयोग की बात समझाते हुए बाबा ने एक सुंदर कथा का वर्णन किया। एक महिला स्नान करने के लिए एक सरोवर में उतरी। उसका एक हार तट पर रखा था। उसे एक कौवा ले उड़ा और सरोवर के किनारे एक पेड़ पर जा बैठा। वह चोंच से हार को देर तक कुरेदता रहा। जब उसे कोई स्वाद नहीं मिला तो वह निराश होकर उड़ गया। हार पेड़ की डाल में उलझा रहा। बाद में एक दूसरा व्यक्ति स्नान के लिए उसी सरोवर में पहुंचा। पेड़ की डाल से लटक रहे हार की प्रतिछाया जब पानी में पड़ी तो उस व्यक्ति की निगाह उस पर गई। उसने सोचा, जल के नीचे कोई हार है। वह उस हार की तलाश में जुट गया। सारा जल गंदा हो गया, सरोवर का तट तक भींग गया, पर उस व्यक्ति के हाथ कुछ भी नहीं लगा। वह निराश होकर चला गया। फिर एक अन्य स्नानार्थी आया। उसकी दृष्टि भी जल में प्रतिबिंबित हार पर पड़ी। शांत चित्त से उसने सोचा, जल में दिखाई दे रहा हार का प्रतिबिंब नकली है, फिर असली हार कहां है? पेड़ पर जब उसने नजर डाली तो उसे हार दिखाई पड़ गया। फिर तो वह रत्न जटित हार उसके हाथ लग गया। इस प्रकार धीर विचार बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त करना होता है।
मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले एक भक्त ने एक बार खिन्न होकर बाबा से पूछा, संसार की इस माया मोह और कर्म जाल में हम लोग ऐसे उलझे हैं कि भगवान की ओर मन लगाना असंभव हो जाता है, कृपया कोई उपाय बताएं। बाबा ने कहा, बद्ध जीव का मन तो प्रवृत्ति की ओर भागेगा ही, इसका प्रतिकार तभी संभव होगा जब मन के लिए एक विकल्प खात की नूतन सृष्टि की जाए। उस खात के जरिए प्रवाहित करना होगा भगवत भिमुखी मन के प्रवाह को। इस नए खात में परिचालित प्रवाह तुम्हारे विषयाभिमुखी मन को भ्रम से स्पंदनहीन करता जाएगा, फिर मन अंतर्मुखी होगा और परमात्मा की ओर सहज से निविष्ट होता चलेगा। धीरे धीरे इस पथ की साधना करते चलो, यही तो है साधक का ब्रह्माभ्यास या आत्मध्यान। बाबा ने आगे कहा, सदा इस अभ्यास को बलवान बनाए रखो, इसके फलस्वरूप मन के मल का नाश होगा, मन वासना रहित होगा। इस मार्ग से ही जीव मुक्त होता है और पराकोटि का ज्ञान लाभ पाता है। कैलाश पहाड़ पर विराजमान इस महापुरुष के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है। बहुत से भक्त आग्रह पूर्वक उनसे प्रस्ताव रखते हैं, बाबा यदि विचार प्रकट करें तो हम इस कैलाश पहाड़ पर एक विशाल मठ का निर्माण करें, जिससे बाबा की इस साधना भूमि को एक विराट साधना केंद्र के रूप में बदला जा सके। महासाधक हंस बाबा हंसते हुए उत्तर देते, बेटा मैं तो एक वैरागी हूं, इस निर्जन पहाड़ पर नंग धड़ंग घूमता हूं, एकांत में शांत चित्त होकर बैठता उठता हूं, बहुत बार जाकर नर्मदा तट पर आश्रय ग्रहण करता हूं, वह मंदिर लेकर करूंगा क्या? अर्थ से तो मुझे कोई सरोकार है ही नहीं, सहनशाह के रूप में मैं बैठा हूं। यह दोहा जानते हो, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिस मन में संतोष है वह है सहनशाह। जिसे कोई चाह नहीं चिंता नहीं, अंतर में जिसके संतोष विराजमान है वही वास्तव में सहनशाह है, राजा धीराज है। इस महान तपस्वी और साधक ने अंत में आठवीं वैसाखी यानी 1960 ईस्वी को शरीर त्याग दिया। हजारों लोगों को शोक संतप्त छोड़कर जस्सीडी के आश्रम में ब्रह्मलीन हो गए। वे ईश्वरीय दूत और अपनी मर्जी के सहनशाह थे।